प्रयागराज पुलिस ने एक बार फिर से गैंगस्टर एक्ट के तहत कुख्यात बदमाश संतोष कुमार और उसके भाई के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर की करोड़ों की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया है। प्रयागराज के झूंसी थाने के गैंगस्टर संतोष यादव और बस्ती जेल में बंद उसके भाई राजकुमार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने शुक्रवार को शेरडी के ग्राम प्रधान बाबा के बेटे संतोष यादव का आलीशान मकान, करोड़ों की जमीन और दो गाड़ियां गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की। इसके अलावा अन्य संपत्तियों की जांच की जा रही है। एक दिन पहले ही पुलिस ने थरबई में इनकी 8 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क किया था। शेरडी गांव के रहने वाले गैंगस्टर संतोष यादव और राजकुमार पर झूंसी सिविल लाइंस कर्नलगंज के साथ ही वाराणसी के लंका थाने में हत्या और हत्या के प्रयास सहित दर्जनों मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस लगातार दोनों भाइयों पर कार्रवाई कर रही है।